नमस्ते फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ अपने इंडोर प्लांट के साथ। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ अपने इंडोर प्लांट पे कि मैं अपने इंडोर प्लांट पे कौन सा फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ, क्योंकि हर प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है और समय समय पर हमें हर प्लांट को फर्टिलाइज़ करते रहना चाहिए। और समर है तो इसमें इंडोर प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, लेकिन इन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसे एक अच्छा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत रहती है। और इंडोर प्लांट ऑक्सीजन के साथ साथ ग्रीनरी भी बहुत अच्छी बनाकर रखते हैं। थोड़े से सेट में रखते हैं तो इनकी ग्रीनरी बनी रहती है, और इतनी गर्मी में थोड़ा हमें ये ऑक्सीजन जो देते हैं उसे थोड़ा ठंडा भी रहता है। और बहुत से इंडोर प्लांट होते हैं जो हम अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं, तो आज मैं इनमें कुछ फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ, तो देखिए वो कौन सा फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेंड, ये चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र बनाई हूँ मैं। देखिए ये जो चाय पत्ती होती है, लेकिन ये मेरी फ्रेश चाय पत्ती है और इंडोर प्लांट ज़्यादा हैं, तो ये मेरी जो ग्रीन टी होती है वो है, मैं इसमें 2 चम्मच के करीब डाल रखी हूँ और रात भर भी भिगो के छोड़ दी थी। आप यूज़ की चाय पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेश भी, लेकिन जब फ्रेश चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं तो उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी चाहिए। और इसमें मैं और अधिक मात्रा में पानी मिला लूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड, मैंने इसमें पानी डबल मात्रा में इस्तेमाल कर ली हूँ, डाल दी हूँ बहुत ज़्यादा। और ये थोड़ा सा मैं अलग से ले ली हूँ और मैं इसे अपने सभी प्लांट में डाल दूँगी। और जो ये ली चाय पत्ती का जो ये पानी होता है, ये हमारे इंडोर प्लांट पे बहुत अच्छा वर्क करता है और ये मिट्टी को भी उपजाऊपन इसका बढ़ाता रहता है। और जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र डालते हैं तो अपने प्लांट में गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए। और चाय पत्ती में नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, साथ ही फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा भी होती है। और इसमें एक टैनिन नामक एसिड पाया जाता है जो प्लांट को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और मिट्टी को भी उपजाऊपन बढ़ाता है। और जो मिट्टी में फंगस वगैरह लगने वाले होते हैं उन सब चीज़ों को भी ख़त्म कर देता है। और पत्तियां इससे बहुत ग्रीन और शाइनिंग रहती हैं। और इस समय अगर हम लिक्विड फॉर्म में इस फर्टिलाइज़र का उपयोग अपने इंडोर प्लांट पर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है। और जब इसे हम मिट्टी में डालते हैं तो इससे मिट्टी भी हमारी पोरस बनती है और उपजाऊपन दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और इसे हम 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट पर। आप चाहे तो यूज़ की चाय पत्ती को धोकर सुखा लें अच्छी तरह से, फिर उसे आप 1-1 चम्मच करके अपने प्लांट में डाल सकते हैं, या फिर आप जो इस्तेमाल की गई चाय पत्ती होती है उसका कंपोस्ट बना लेते हैं तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन वो सब प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है और इसीलिए मंथ में एक बार आप चाय पत्ती का इस्तेमाल अपने प्लांट पर ज़रूर कीजिए। और देखिए इससे प्लांट कितने अच्छे दिखते हैं और सभी प्लांट बहुत हेल्दी रहेंगे। और नाइट्रोजन हर प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और जबकि चाय पत्ती में 3 तरह के पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन तो ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन साथ में फास्फोरस और पोटेशियम भी होता है, और ये तीनों चीज़ें एक प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इस तरह से आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का उपयोग कर सकते हैं। और देखिए प्लांट की हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। और मंथ में एक बार आप इसमें सॉलिड फॉर्म में भी फर्टिलाइज करिए अपने प्लांट को, बाकी आप लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र डालते रहिए और फिर देखिए आपके इंडोर प्लांट बहुत हेल्दी रहेंगे, ग्रीन और शाइनिंग रहेंगे। इसके इस्तेमाल से आपके प्लांट बहुत ही हेल्दी रहते हैं और इसका जो हम इंडोर प्लांट पे इस्तेमाल करते हैं तो उनकी ग्रोथ और ग्रीनरी देखने में ही बनती है। और इंडोर प्लांट इस समय समर में बहुत अच्छे चलते हैं, तो आप अपने गार्डन में भी इंडोर प्लांट ऐड करिए और उन्हें टाइम टाइम पे फर्टिलाइज़ ज़रूर करते रहिए, क्योंकि हर प्लांट को ग्रोथ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और चाय पत्ती बहुत बेस्ट होता है इंडोर प्लांट के लिए। तो आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करिए फ्रेंड। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। नमस्ते।